हम बता रहे हैं आपको कि हम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही है, जो भी हमारे सिपाही है उन लोगों से मेरी बात हुई, ठीक है ना, तो उन लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब नहीं लड़िएगा तो कब लड़िएगा, ठीक है ना, इसलिए कि अब तो एक सोच हम अपनी बनाई है, अपनी सोच को हमने बनाया है कि भाई अब तो कम से कम जनता का तो सेवा जितना हो सकता है हमने। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। बात करेंगे सिवान शहर में MLC के चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, कई दिग्गज लोग इसमें उतर चुके हैं, कई राजनीतिक माहौल से और कई बिजनेस माहौल से उतर चुके हैं और अपने आप को दावेदारी के रूप में खड़ा कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। जैसे बात करेंगे सिवान शहर में बहुचर्चित इंसान रईस खान जी भी लगातार जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं, उसी बीच में विनोद जसवाल भी लगातार भ्रमण करते नजर आ रहे हैं और उसी बीच एक और शख्स हैं जो आज हम उनके दरवाजे पहुंचे हुए हैं, वो भी शख्स राजनीतिक दुनिया में कई सालों से लगातार प्रयास करते नजर आ रहे हैं, आज उनके घर पर पहुँचे हुए हैं और आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस वक्त क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आज NDA और BJP का एक बैठक हुआ, उस बैठक में बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे, उसके विचारों को मंथन करते हुए आगे का रणनीति बना रहे थे। आज जिस तरह से हर एक इंसान, हर एक आवाम सिवान की जानना चाहती है कि आने वाले कल में जो MLC का चुनाव होगा एक बहुत बड़ा राजनीतिक माहौल में बदलाव होने के लिए तैयार हो सकता है, उसी सब हम चर्चे के लिए बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भावी MLC प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनाव लड़ेंगे, आइए उन्हीं के मुखाबिक जानते हैं उनका नाम और उनका परिचय और इस बार वो क्या मुहिम लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं MLC का। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये आप इस बार हमारे चैनल के सामने कुछ बात करने का मौका। सबसे पहले तो आप प्राइम न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे तक पहुँचे, इसके लिए मैं आभारी हूँ आप लोगों का। सर ये बताइए कि जैसे कि हम लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं सिवान जिला में, ऐसे दिग्गज लोग इस माहौल में उतर चुके हैं, इस राजनीतिक माहौल में MLC का चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे बात करेंगे विनोद जसवाल जी हैं, रईस खान जी हैं, ये जो दो शख्स हैं काफ़ी उन लोग का चर्चा पूरे सिवान जिला में चल रहा है, उसी चर्चे में आपका भी नाम कहीं ना कहीं शामिल हो चुका है और आप भी इस दौर में शामिल हो चुके हैं, और क्या रुझान रहा कि आप इस बार MLC के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आ चुके हैं? नहीं, देखिए ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में अधिकार हर इंसान का है, चुनाव लड़ने के लिए जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, ठीक है ना, इसलिए कि हर आदमी का अधिकार है लड़ने का, इसलिए मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, इसको हमारे प्रतिनिधि जो है, प्रतिनिधि जितने जीते हुए हैं मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको एक ही चीज़ मैं बताऊँगा कि महबूब आलम, मेरा नाम हुआ महबूब आलम। अच्छा, आपका नाम हुआ महबूब आलम जी, जी। अच्छा, आपका नाम सैयद महबूब आलम जी, जी। आपके पोस्टर पे शायद दिखा था मुझे, जी जी। अच्छा ये बताइए सर कि जैसे कि आखिर आपके आने से सिवान की राजनीति, जो MLC का फंड होता है, जो MLC के विकास होता है, वो क्या दिखेगा सिवान जिला में? देखिए आपके चैनल से एक चीज बता दें, पत्रकार महोदय आपको एक चीज मैं बता दे रहा चाहता हूँ कि अभी तक जितने MLC हुए हैं सिवान डिस्ट्रिक्ट में, आप सारे MLC से एक बात ज़रूर पूछिएगा कि सिवान डिस्ट्रिक्ट का MLC कोटा से कितना विकास हुआ है। तो आपको अभी तक क्या अंदाजा है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ, मैं आपकी जुबानी जानना चाहता हूँ। नहीं, यही चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल से कि विकास कितना हुआ है, ये तो हमारे प्रतिनिधि बताएंगे जो वोट देते हैं, तो हम अपने प्रतिनिधि को धन्यवाद देते हैं कि भाई मेरे आप बड़ी मेहनत से, बड़ी मुखसस से आप अपने चुनाव को जीता है, वो चाहे मेरे मुखिया हों, चाहे वो BDC हों, चाहे वार्ड वाले हों, जो भी हैं वो भी अपने रात को रात नहीं समझे हैं, दिन को दिन नहीं समझे हैं और बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने चुनाव तो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो इसके पहले प्रतिनिधि थे जो जीते हुए हैं उनको आप मतलब अच्छा मान रहे हैं कि ऐसे मतलब राजनीतिक माहौल से उन्होंने काम नहीं किया है। देखिए
आप चैनल वाले लोग जो होते हैं ना जी, आप लोग खुरेदते हैं किसी चीज को, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप खुरेदिए मत, पहले इस चीज की जानकारी कीजिए कि अभी एमएलसी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने एमएलसी हुए हैं सिवान डिस्ट्रिक्ट में, जितने एमएलसी हुए हैं आज तक कोई काम बता दीजिए कि एमएलसी कोटा से ये काम हुआ हो। सिवान की जनता दो ही लोग से खोजती है, एक तो हमारे जो भी विधायक हैं यहाँ पे और एक जो हमारे जो एमपी हुआ करते हैं, उन्हीं से लोग खोजते हैं। उसके अलावा भी गवर्नमेंट का बहुत सारा फंड आता है जो एमएलसी से आता है, मुखिया से आता है, जिला पार्षद से आता है, सबसे फंड आता है। तो मुखिया का तो जी मुखिया नहीं, मुखिया लोग को तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो तो बेचारे काम करते हैं, वो अपना विकास करते हैं और आज जो भी प्रतिनिधि जीते हुए हैं। मगर ये बता दें मुखिया जी लोग जो भी हैं कि अब जो प्रतिनिधि जितने जीते हैं, वार्ड में जीते हों, चाहे मुखिया में जीते हों और चाहे बीडीसी में जो भी जीते हों, इनको अभी समझने की ज़रूरत है कि एमएलसी पद कितने साल का होता है। ये 6 साल का होता है, एमएलसी पद 6 साल का होता है जी, 6 साल के लिए नियुक्ति किया जाता है। अच्छा। और 6 साल के अंदर जो इसका फंड आता है, इन प्रतिनिधियों को इसका कितना मिलता है, मैं ये जानना चाहूँगा जो भी प्रतिनिधि हैं जीते हुए। तो हम यही कहेंगे आपके चैनल से कि ये चीज़ का मैं खुलासा कर दूंगा। अच्छा, अगर हम जीतते हैं, मेरी बात पहले सुन लिया जाए, एक मिनट, अगर ये चुनाव अगर हमारे प्रतिनिधि का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और इस चुनाव को अगर वो अहमियत देंगे और इस वोट को अगर हमारे तक कास्ट करेंगे, तो मैं बताऊंगा कि कितना और कितना फंड आएगा। तो मैं ये वादा करता हूं आपके चैनल से कि सारे प्रतिनिधि जितने जीते हुए, ये सारा फंड जो मैं है उन लोगों के बीच में रख दूंगा। और यही कहें कि जहां जो काम है आप स्वयं इसको आप कराइए, ये आपका दायित्व बनता है, आपका ये हक। चलिए एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि आप इस बार एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए होर शोर में आप भी जनसंपर्क करते नज़र आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आपका राजनीतिक माहौल रहा, आपने कहा कि हम राजनीतिक माहौल में बने हुए हैं, तो थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि अपने राजनीतिक परिवेश के बारे में जानना चाहेंगे, इसके पिछले जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, अब तक आपका क्या रुझान रहा, किस किस राजनीतिक माहौल से जुड़े, ये चुनाव जो लड़ने वाले हैं आप किसी पार्टी में से चुनाव लड़ रहे हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपके चैनल से एक चीज़ मैं बता दूं जी कि ये पार्टी लेवल पे ये चुनाव नहीं होता। नंबर वन, पार्टी का सिर्फ जो है ना सहयोग होता है, पार्टी सिंबल नहीं देती है, ठीक है ना। इसको अगर एक नज़र से आप देखें तो सारे के सारे लोग जो है ना ये निर्दलीय ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पार्टी का कोई ये नहीं होता, पार्टी के नाम पे लोग आते हैं कि उस पार्टी नहीं है। लेकिन सर मैं बता देता हूँ कि यहाँ तक कि पंचायती राज में भी आपको देखने का मौका मिला जी जी जी, या सिवान जिला में भी नगर चेयरमैन का भी चुनाव होने के लिए जोर शोर में लगा हुआ है जी, उस माहौल में भी लोग अपने आप को पार्टी बेस के लिए खड़ा कर रहे हैं कि हम इस पार्टी से हैं तो इस पार्टी से हैं, वो बात की बात है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बताइए एमएलसी के बारे में क्या कह रहे थे। नहीं नहीं, देखिए आपने पार्टी की जो बात कही जी, तो हमको लगता है कि शहर के सारे लोग जानते हैं कि हम कितने पुराने सिपाही हैं, ठीक है ना। किस पार्टी से? और हम आपको बता रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी से हम रहे हैं और अभी भी हम कांग्रेस पार्टी में ही हैं, ठीक है ना। तो कांग्रेस पार्टी का सिपाही जो भी होता है वो कोई निर्णय लेता है ना तो बहुत सोच समझ के लेता है। अब ये बताइए कि मेरा भी तो कुछ समय होना चाहिए जी, मेरा भी तो कुछ हक होना चाहिए, तो हम अब हक किससे मांगे, अपने प्रतिनिधि से। आज जोर से हमारी जनता जानना चाहेगी आपसे कि आपका जो जीवन है माहौल से मतलब शुरू जी, जी 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 बहुत पुराना मेरा जो है ना, हम फुल टाइम जो है ना समाज सेवा में अभी तक हम देते हुए चले आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी का जो दौर चल रहा है, काफी जो लोग इसमें चुनाव लड़ने वाले हैं आप जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, उन लोगों का दौर काफी एक्टिव लग रहा है, काफी मतलब एक सक्रिय लग रहा है, हर जगह उनका एक चलन हो रहा है, कई पार्टी मतलब कई पार्टी के लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जीतने का एक चांस मतलब लोगों के प्रति दिखने को मिल रहा है कि हर जगह उनका एक परिवेश लग रहा है। तो आपके तरफ से क्या कुछ रुझान रहेगा कि आपका सीट और आपका उम्मीद क्या लग रहा है?
हम तो यही तो आपको बताएं ना कि आज के डेट में मेरा मालिक मेरा प्रतिनिधि है, ठीक है ना। जो प्रतिनिधि को मैं धन्यवाद दूंगा कि हम किसी को नहीं मानते हैं, हमारा जो मालिक है, हमारे जो भी जीते हुए हैं, वो अगर अगर हम अच्छे लगेंगे जी जी। तो हमको वो वोट देंगे जी जी। ठीक है ना, बाकी तो वो स्वतंत्र हैं, ठीक है ना, वो कहीं अपना वोट डाल सकते हैं, मगर यही हम कहेंगे कि एक बार महबूब आलम को तो एक चांस एक ही बार इतना बड़ा छलांग आपको लगाने का मतलब शुरू से मन था कि मतलब सडनली एक दो साल में आपने बनाया। देखिए छलांग की बात नहीं, आपको शायद मैं एक चीज और बता दूं। अब जब आप जो है हमको पूछना ही चाह रहे हैं तो जिस समय हमारे जो है जिस समय में उमाशंकर सिंह का नाम शायद आप सुने होंगे जी जी। ठीक है ना, तो स्वर्गीय अभी उमाशंकर सिंह, ठीक है ना, तो आपको मैं बता दूं कि जिस लोकसभा से वो जीतते थे महाराजगंज से, तो महाराजगंज से आपने ये कहा कि इतना बड़ा छलांग, अरे यार तो मेरी उम्र भी तो देखिए कि 42 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। और मैं माफी चाहूंगा उस बात को लेकर, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जनता जानना चाहेगी आपसे, जनता जानना चाहेगी ना, तो हम अपने प्रतिनिधि से ये सवाल जब हमारी प्रतिनिधि करेगी ना तो मेरे पास प्रतिनिधि के पास वहाँ जवाब रहेगा। हम अपने प्रतिनिधि को जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको जो वोट देंगे वार्ड होंगे, मुखिया होंगे और BDC होंगे, ये तीन मतलब के नीड वोट जी 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 MLC को वोट देंगे जी जी, वो खुद में एक विकासकारी मतलब वो पोजीशन पे है, मतलब कि वो विकास करने वाले अधिकार उनको है जी, तो क्या लगता है कि वो विकास अपने अधिकार को लेकर आपको भी विकास करने का वो हक दिलवाएंगे? जब हमको देंगे तो मेरा फंड जो आएगा तो हम क्या करेंगे, हम और जितने जीते हुए और जितने जीत के गए हैं ये क्या किए हैं ये तो प्रतिनिधि जानते हैं। और मेरा वादा है आपके चैनल से कि जितना ये सारा डिस्ट्रीब्यूट मैं अपने प्रतिनिधि को करूंगा, ये मेरा वादा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो ऊपर वाला दिया है 2 रोटी वही काफी, मेरा मालिक मेरा प्रतिनिधि रहेगा कभी भी, वो या ना दे जीता नहीं जीता है, हम उसी के साथ थे और हैं और रहेंगे भी। सिवान के जनता को यही कहेंगे कि मेरे लिए आप आशीर्वाद हमको दिया जाए और हमारे लिए दुआएं किया जाए इस चुनाव में आए कि कुछ युवाओं जो आज के डेट में मेरे जो युवा जितना परेशान है, मुझे अफसोस लगता है कि काश कि मुझे एक चांस, यही हम अपने प्रतिनिधि से कहेंगे कि एक बार मुझे भी चुना जाए कि हम अपने युवा साथियों को कम से कम उस लायक बना दें कि जो आज के डेट में जिस तरीके से 2 करोड़ को मोदी जी ने नौकरी देने के लिए कहे थे और कम से कम आज के डेट में 2000 आदमी को उन्होंने नौकरी नहीं दिए, तो हम अपने युवा को यही कहें कि मेरे भाई मेरे दोस्त, मुझे अगर ये मौका मिला तो हमसे जितना बन पड़ेगा ना मैं सबसे पहले तो प्रतिनिधि को करूंगा ही, साथ में हमारे युवा भाई जितने हैं उनके लिए भी मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और जहां जैसे जो जिस विभाग में जैसे जिस तरह की ज़रूरतें आएंगी मैं उनके लिए सबसे पहले युवा के लिए मैं खड़ा रहूंगा। यानी जितने बाद युवाओं के प्रति काम करने का सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा 100% उनके ही लिए मैं खड़ा रहूंगा। फिर आपसे बात करेंगे सर। साथियों आपने देखा कि आज हम पहुंचे हुए थे जो इस बार MLC का चुनाव के क्षेत्र में उतर चुके हैं और इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं MLC का, और इनका प्रयास है कि चुनाव जीतने के बाद सिवान जिला के जो युवा हैं जो बेरोजगारी के जीवन जी रहे हैं उन्हें रोजगार जिंदगी देना है और उनके लिए बेहतर दिशा में काम करना है। मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप देख रहे हैं तो प्राइम न्यूज इंडिया कैमरा रोहित के साथ, और हम लोग जिस शख्स से बात कर रहे थे सैयद महबूब आलम जी से जो इस बार भावी MLC प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहे हैं और इस बार चुनाव लड़ेंगे। जय हिंद जय भारत।